कपूर को बॉलीवुड फैंसी निस्ता यू ही नहीं कहा जाता, उनका हर स्टाइल इम्प्रेशन देने वाला होता है जिसे लोग बेहद ज्यादा पसंद करते हैं। ड्रेसिंग सेंस के मामले में सोनम का अंदाज हमेशा से ही डिफरेंट और शादी के बंधन में बंध चुकी सोनम कपूर को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट बॉय के जरिए देखा गया। इस दौरान सोनम कैजुअल लुक में नजर आए, उन्होंने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट प्रिंट टी शर्ट कैरी की थी। टी शर्ट पर मिस्टर इंडिया फिल्म का पोस्ट बना हुआ था। सोनम द्वारा मिस्टर इंडिया के टाइटल वाली टी शर्ट पहनने के बाद उनकी इस फिल्म के सीक्वल में नजर आने की भी चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये रिया कपूर का ब्रांड रेशन की कलेक्शन है। वहीं आनंद आहूजा ने ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट ग्रे जैकेट कैरी की हुई थी। दोनों साथ में बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। पर ऐसे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर सोनम कपूर अपनी बेबाक बयान की वजह से क्यों इतनी ज़्यादा ट्रोलर्स का शिकार होती हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि सोनम कपूर उन एक्ट्रेस में से हैं जो कि अपनी बातों को कहने के लिए ऑडियंस या फिर अपने फैंस के बारे में भी नहीं सोचती, और उनको ये भी नहीं समझ आता कि ये बातें बोलने के बाद किसको बुरी लगेंगी और किसको अच्छी लगेंगी। ऐसे में आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सबके सामने मीडिया के सामने इस बात को जाहिर कर दिया था कि हमारे पूरे भारत देश में मर्द से ज़्यादा गे रहते हैं, जिस बात को लेकर ट्रोलर्स ने उन्हें बेहद ज़्यादा ट्रोल भी कराया था। कहीं ना कहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कई सारे प्रेस बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया था, जिसके बाद सोनम कपूर अपनी एक और बेबाक बयान की वजह से बेहद ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी। उन्होंने कहा था कि रणबीर कपूर ने मेरा यूज़ किया है। कहने का मतलब ये है कि रणबीर कपूर ने उनकी फेम और उनके पापा की पर्सनालिटी का फ़ायदा उठाया था। सुनने में ये भी आया था कि रणबीर कपूर के साथ सोनम कपूर डेट कर रही थी, पर उनका मानना था कि रणबीर सिर्फ और सिर्फ उनके साथ अपने नाम को जोड़ने के लिए उनके साथ गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता रख रहे थे, जिसके बाद रणबीर कपूर ने भी इस बात को क्लियर कर दिया था कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ था ही। जिसके बाद हम बात करते हैं कि ऐश्वर्या के बारे में क्या बोलकर ऐश्वर्या राय को ट्रोल कराने चली थी सोनम कपूर पर, पासा पलट गया और सोनम कपूर को ही लोग ट्रोल कराने लगे। आपको बता दूं कि ऐश्वर्या राय को उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान आंटी कह दिया था। उनका मानना था कि बेशक ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, पर अब वो किसी आंटी से कम नहीं लगती, जिसके बाद ऐश्वर्या राय ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। ऐश्वर्या ने कहा था, कोई बात नहीं, वो मेरे फैंस और मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। दोस्तों, इसके बाद लगातार ऐश्वर्या राय के फैंस ने सोनम कपूर को ट्रोल कराने की कोशिश कर दी थी और लगातार उन्हें 3 दिनों तक ट्विटर पर ट्रोल भी कराया गया था। तो दोस्तों, सोनम कपूर के इन बेबाक अंदाज से और इन बेबाक बयानों से आपको क्या लगता है कि क्या सोनम कपूर बिंदास खुले मिजाज की हैं या फिर उन्हें शौक है लोगों को नीचा दिखाने का? फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि सोनम कपूर की ये बेबाक अदाएँ आपको कैसी लगती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री, सोशल मीडिया और ख़ास करके बिग बॉस से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।